काफी फाइलें जिन पे साइन करना होता है। हाँ, जल्दी है मेरे बालों से। देखो देख बैठ के कितने सारे बाल पड़े हैं। देख क्या है ये? और इसको अपनी माँ के घर भेज। हमने क्यों किया? छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। पहले तो मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, और जिम के बाद आना है घर, और उसके बाद करने हैं दो चार काम। तो अभी भैया हमारा खाना वाना हो गया बिल्कुल रेडी। तो यहाँ पर ओट्स है, अनार है, यहाँ पर फ्रूट। तो अभी हमारे नए गाने की ऑडियो हो गया बिल्कुल रेडी। तो हम शूट का प्लान कर रहे हैं कि जल्दी से शूट करें और आपके सामने पेश कर दें। जो ये वाला गाना, ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार सॉन्ग है। पहले जितने भी आपने सॉन्ग सुने हैं हमारी कंपनी पे नंबर वन रिकॉर्ड पे, ये उनका भी कुछ ना कुछ है। मतलब कमाल का गाना, दिल खुश हो जाएगा। ये वाला फेवरेट गाना है। इस गाने को लिए मुझे मतलब लगा लो जो तीनों गाने पीछे वाले थे ना, उससे पहले का ये गाना ले रखा है, पर रेडी अभी हुआ है। ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट गाना है। गाइस आप देख सकते हो गणपति जी का पंडाल जो है अभी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गणपति जी हैं तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो घर में थे, ऐसा लग रहा था कि कोई है घर में, कोई सदस्य है बड़ा, और उनको हम छोड़ के आए ना तो बहुत ही बुरा लग रहा है। पर इस बात की खुशी है कि अगले साल फिर से लेके आएंगे, और इस बार अपने पापा को अपने घर में कम से कम 11 या 21 दिन तक रखेंगे। और जो पूजा पाठ का जो हम अब कर रहे थे ना, वैसे ही रोज़ कंटिन्यू भी करेंगे, पापा की आरती रोज़ चलाएंगे, ताकि उनको मिस जो हम कर रहे हैं ना वो ना करें। यहाँ पर लड़की भी उठ गई है, ये ले बेटे अनार खा ले। ठीक है ठीक है जी। और कुछ फ्रूट मंगा दूँ? नहीं, बट सुबह उठते पहले पानी पीना चाहिए, उसके बाद अनार। तो तू उठी तो थी 7 बजे? हाँ उठी थी, सुबह उठते पानी पिया था, पर अब दोबारा सो गई ना 2 घंटे के लिए। मतलब मैं 9 बजे सोई थी और अभी बज रहे हैं 10:40। पहले ना सिर्फ मैंने देखा था कि जब लोग ना गणपति जी विसर्जन करने जाते हैं ना तो रोते हैं, और कल इस चीज को ना हमने फील किया अंदर से, जब गणपति जी को विसर्जित कर रहे थे ना, ऐसे लग रहा था कुछ जा रहा है घर का, ऐसा लग रहा था अंदर से ही, ऐसा दुख सा हो रहा था, रोना सा आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लास्ट में ना जब वो हो रहा था ना गणपति बाप, जब विसर्जन कर रहे थे गणपति बाप्पा मोरया, तो जो मेरा मोरया आ रहा था ना, मेरा मोरया भारी हो गया था अचानक से। मतलब ऐसा हो रहा था जैसे आंखों में ना आंसू अपने आप ऑटोमेटिकली आ गए थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार हमने 5 दिन पप्पा जी की सेवा करी, रात को जागे, 5 बजे का अलार्म लगाया, कभी 6 का, कभी पायल देखती थी जोत को, कभी मैं देखती थी। तो बहुत दिनों से भैया मैं अकेले जिम जा रहा हूँ। गोलू को बोलता हूँ जिम चल, वो कहते हैं मैं नहीं जा रही। पायल को बोलता हूँ जिम चल, वो कहते हैं मैं नहीं जा रही, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो इन्हीं से पूछ लेते ये क्यों नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते भैया तुम जिम? क्योंकि काफी टाइम से मेरा एटलीस्ट 2 महीने का ब्रेक हो गया है, तो मेरा ना भी जिम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर मैं वॉक पे जाऊंगी शाम को, मैं और गोलू दोनों। और आप मैडम? मैं काफी बिजी चल रही हूँ आजकल। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे देखनी पड़ती हैं, काफ़ी फाइलें जिन पर साइन करना होता है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स रीड करने होते हैं, पूरे दिन लैपटॉप का काम होता है, तो मैं काफ़ी टायर्ड हो जाती हूँ। सुन रही है? यही सुनना था क्या मुझे? सुन रही हूँ मैं, जबकि इनमें से कोई काम नहीं होता इसे। तो गोलू और पायल ने भैया सारा खोल दिया पंडाल। हाँ जी। मैं ना बाहर चप्पल उतारा था, मुझे याद नहीं था। अच्छा याद नहीं था आपको? मुझे लगा था कि गणपति जी अंदर है, तो मैं भारी चप्पल उतार रहा था, फिर मैंने जैसे उतार के अंदर आया तो मैंने देखा यार गणपति जी तो है ही नहीं। तो ये जो रोल है ये पनीर रोल है, और ये चीकू के पापा को बहुत पसंद है, और ये जो है ये डाइट वाले स्टोर से मंगाया है, इसमें पूरा जो भी सामान है वो डाइट का है, इनके लिए हेल्दी है। तो भैया इतने प्यार से मंगवाया तो खा भी लेते हैं, खा के नहा के फिर थोड़े से कपड़े लेने जाता हूँ आज मैं। हाँ, आपके पास जिम के कपड़े बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी पहन जाते हो, जिनके कपड़े लेके आओ, अपने लोवर्स लेके आना, शॉर्ट्स बहुत सारे हैं आपके पास। ठीक। तो गाइस कुछ लोगों के ना कमेंट आए हुए थे कि ना आप प्रैंक करो, गोलू के ऊपर करो या फिर पायल के ऊपर करो। तो आज हमने सोचा कि ना यार एक जबरदस्त सा प्रैंक कर देते हैं। प्रैंक नहीं है, ओरिजिनल है। क्या है ना कि जो पायल के बाल थोड़े से ना ज़्यादा लंबे हैं, तो मैंने उसको बहुत बारी बोला कि थोड़ा सा नीचे से कटवा ले, उसके बाद ना हम हेयर कट करा देंगे, तो मानती नहीं है। तो आज गोलू तू बता हम क्या करेंगे? तो ना हम, मैं और चीकू क्या करेंगे, जब पायल सो रही होगी ना तो उसके बाल काट देंगे, क्योंकि पायल को कितनी बार बोला है सैलून जाके बाल कटवा ले कटवा ले, वो तो मानती नहीं है, ठीक है चीकू? हाँ। और चीकू को मैंने कर लिया अपनी टीम में शामिल, तो बस अब वेट है पायल के सोने का। और मैंने पायल को ये बात बोल दी, मैंने कहा चीकू को ना मैं सुला रही हूँ, ठीक है, तू अपना सो जा, क्योंकि कल चीकू को मैं स्कूल भेज दूंगी, पायल मान चुकी है। चीकू सुन मेरी बात, थोड़े से काटना है नीचे से, कभी ऊपर से काट देगा पीटे तो भी मैं भी। चीकू देख देख, मेरे बाल तो छोटे हैं, यहाँ पे छोटी करते हैं ना छोटी, तो छोटी के नीचे से सिर्फ इतने से काटने हैं बाल, कितने काटेगा? थोड़ा सा नीचे से काटना है हमें, नीचे से इतने से बाल काटने हैं। चीकू एक काम कर, कैंची मेरे को दे दे। चीकू अगर मम्मी को ज्यादा बाल कट गया ना तेको छोड़ेगी ना मुझे छोड़ेगी, और जो कैमरे के पीछे ना उनको भी नहीं छोड़ेगी, हम तीनों मरेंगे। दे दे। नहीं नहीं। तो एक काम करते हैं, हम कैमरे को ना वर्बली नहीं चलाते, हम पहले कैमरे को सेट करते हैं अंदर जाके, पहले देखते हैं कि पायल सो रही है या नहीं।
आप मत जाओ क्योंकि पापा तो ये बोल देंगे ना मैं देखने के लिए आया था, सॉरी मैंने तुझे मैंने पायल को बोला मैं तेरे को सुला रही हूँ, तू उस वाले रूम में छुप जा या इधर छुप जा। कुछ कपड़ा रख देता हूँ इसके ऊपर, कपड़ा। तो गाइस कैमरे वैमरे लगा दिए हैं तो अभी रिएक्शन देखते हैं पायल का। तो थोड़ी सी घबराहट हो रही, दिल कर रहा ना करें, चीकू कह रहा करो, है चीकू? हाँ जी। क्या बोला? करो। मम्मा को मैं बोलूंगा कि मैंने तो नहीं बोला, मम्मा ने बोला था जो करो। देख नाम लगाएगा, तेरे बाल कटवा जाओ, नई कैंची लेकर आई हूँ अंदर से। चले चीकू, हो जाए, चलो शुरू करें। डर लग रहा है मुझे। चीकू तेरे को तो नहीं लग रहा? मुझे नहीं लग रहा। चलो पहले देखती पाए। तो गाइस पहुंच रहे हैं आराम से, चल 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 आराम से। तो ये वाला कैमरा मैंने क्लोज के लिए लिया है क्योंकि ना बाल दिखने भी तो चाहिए ना, कटे हैं। थोड़े से काटूंगी, बिल्कुल डर लग रहा है मुझे। पैर पिछड़ गया। जैसी करने वैसी भरने। चोट लगी? नहीं, मेरे पैर की चिच्ची उंगली पे चढ़ गया। चिच्ची? छोटी वाली उंगली पे। चीकू को यहीं छोड़ देना। नहीं 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 यार पापा। हाँ? तो स्कूल भी जाना है? नहीं। चीकू तमीज़। दोबारा हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों बिगाड़ रहे, शर्म नहीं आती। ट्रिमिंग की थी
ड्रीमिंग है क्या? क्यों काटे चीकू मेरे बाल? आपने काटे? इसने तो कुछ भी नहीं किया। इसको हॉस्टल भेज और इसको अपनी माँ के घर भेज, यही हो सकता है। इसके खुद के बाल खराब है ना, मेरे हमेशा बोलती है पायल तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे हैं। कर दिया अच्छा, मेरे बालों को अच्छा कर दिया। मैं तो बस ट्रिमिंग कर रही थी पायल थोड़ी सी। सोते हुए कौन ट्रिमिंग करता है गोलू? तमीज ने। और मैं उठी तो भाग रहे हैं दोनों। तो गाइस ये प्रैंक था, पर चीकू असली में रो पड़ा यार। चीकू बहुत डर गया। चीकू रो रहा है। चीकू को पता नहीं था कि आप इतनी चप्पल लगा दो। अपने प्यार बच्चे रुला दिया यार। था वो तो प्यार था यार। ओ मेरे लाडू, ओ मेरे जानू। सब मेरे को पता, जैसे चीकू रोया मेरे को था मैं चीकू को चुप कराऊं। बस 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 चीकू हम तो प्रैंक कर रहे थे बेटा। बस बस इधर आ, ये पब्लिक प्रैंक था चीकू, इसमें सब मिले हुए थे। रो देखना। अच्छा चीकू को मैं जब चिल्लाए ना उसको लगा होगा कि मम्मी के बाल सच में कट गए ना। ऐसे लगा सच में कट गए? सच में तो नहीं कटे ना, कुछ चेक करियो। गुड्डू ये तो सच में काट दिए से मेरे बाल। नहीं नहीं पाए। गुड्डू ये तो असलियत में काट दिए बेवकूफ ने। ये देखना, ये देख, असली में काट दिए बाल। शिट यार, ये कैसे कट गए? तेरे को गोलू प्रैंक करना भी नहीं आता ढंग से। नहीं असली थोड़ी कटी है। ये देखो काटे इसने मेरे बाल, ये देखो, ये देखो तो असली में कट गई। यार तेरे को अकल नहीं है क्या? तेरे पास कैंची थी, मैं थोड़ी काट रहा था बाल। चुप रहो आप, प्लान प्रैंक नहीं करना आता तो प्लान। असली बाल काट दिए। प्लान आपका था गुडू? प्लान तो तुझे तो पता ही था, प्लान था, पर ये थोड़ी मैंने बोला इसको असली बाल काट दे। शिट यार असली बाल कट गए। हंस रही है गुडू, हंस रही है, देख रहे हो बाल काट के। मैं ये कहती इसके ऊपर प्रैंक होता नहीं क्योंकि इसके बाल छोटे हैं। मुझे लग ही रहा था ये कुछ ना कुछ कांड करेगी मेरे बालों का। रह गए वो भी काटने देना। मैं वरना वो ट्राई करती पहले, काटू काटू काटू, ये कैंची ना गलत ले आई, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। मैंने कहा चल जितने कटे उतने काट दूं। तो गाइस देखो असली बाल क्यों काट दिए। तो गाइज आज का प्रैंक आपको कैसा लगा बताना। सबसे ज्यादा जो मतलब बुरा लगा चीकू रोने लगे। आ बेटी आमे बच्चो आमे लो आमे, खड़ा हो जाओ फटाओ खड़ा हो, आशीर्वाद मत ले इधर चला। अरे ये तो प्रैंक था ना तू। अच्छा उस ऐसे वाले थप्पड़ से रोने लग गया था क्या? ऐसे वाले या हॉस्टल छोड़ना था इसलिए रोने लग गया था? किससे रोवा था? थप्पड़ से भी, हॉस्टल से भी है? क्या बात है यार चीकू, यार ऐसे नहीं करते ठीक है। तो गाइज देखो सच सब बिल्कुल सामने ये आ गया कि हमारे जो असली बाल है उसको कुछ भी नहीं हुआ, 19-20 भी नहीं कटे। मतलब ये लगा लो पायल का ना, हमने बालों का आधा टुकड़ा होता ना, आधा टुकड़ा वो भी नहीं काटा। बट ना मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। आधा टुकड़ा क्या होता है? जैसे ये बाल है ठीक है, ये बाल का एक टुकड़ा है, तो बाल के एक टुकड़े का आधा टुकड़ा मतलब इतने से असली बाल भी नहीं कटे। बट रुक जा छोड़ दे। तो भैया आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये वाला प्रैंक आपको कैसा लगा? हम भी सोच रहे हैं कि भैया आपको 15-20 दिन में ज्यादा मजेदार से प्रैंक दे दें। और कितना जेन्युइन लगा कितना फेक लगा बताना जरूर। सबसे ज्यादा जेन्युइन था चीकू का। क्यों रोया था मेरे बच्चा? क्यों रोया था? इसकी वजह से जेन्युइन हो गया सारा है ना, क्योंकि ये रो पड़ा था। क्यों रोया बेटा बता तो, सच तो बता। चलो बाय बाय कर दो। चलो गाइस अगला प्रैंक मजेदार से लेके आएंगे। बाय बाय गाइस, मैं फोन में खा पीस करो। बाय बाय। तो ये चीकू के स्टाइल में था। बाय बाय।